हेलो दोस्तों, सुपरवा जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। देयर अभी का जो वीडियो है ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी, उनका मैसेज आपके लिए। तो चलिए पॉजिटिव हो जाइए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए कि क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। अगर वो छुपा रहे हैं, नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो उनका मैसेज आपके लिए क्या है। तो चलिए देखती हूँ, अपने अपने पर्सन के बारे में सोचिए। एंजल्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, कृष्ण गोविंद गाइड करें, ओम आर्कएंजल्स गाइड करें, दिव्य शक्ति गाइड करें, कृष्ण गोविंद गाइड करें, राधा रानी गाइड करें, अर्थ मदर मदर गाया गाइड करें, कृष्ण गोविंद गाइड करें। चलिए सेलिब्रेशन, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपकी आवाज को तरस रहे हैं, कॉल मैसेज तो करना चाहते हैं, आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, आपको आप उनकी स्ट्रेंथ हो, पावर हो, ये आपको पाकर खुश होना चाहते हैं। इग्नोर मत कीजिए, आप बदल गए हो ऐसा उन्हें फील हो रहा है। आप उनकी नीड हो, चाहत हो, बहुत ज्यादा ये आपको प्यार करते हैं, आप उनकी सोलमेट हो ये कहना चाहते हैं। मेड फॉर ईच अदर, बहुत पैशनेट दिख रहा है, लेकिन फाइटिंग भी चल रही है, आप उनके हमदर्द हो। सोशल मीडिया पे स्पाइक कर रहे हैं, क्यों नाराज हो, आपको मनाना चाहते हैं, आपको वो पसंद करते हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, प्यार करते हैं और उनको आप माफ कर दो ये कहना चाहते हैं। कमिटमेंट को लेकर डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट से डिसीजन लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी ले रहे हैं और डिसीजन ना लेने की वजह से कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज भी हैं और लॉन्ग डिस्टेंस कॉम्प्रोमाइज, कितना कॉम्प्रोमाइज करोगे भैया। चाहत, लीगल इशू, सपने जो आए, ड्रीम, आप लोग को कैसे सपने आ रहे हैं, जरा सपने पे फोकस देखिएगा कि क्या सपना आ रहा है। हार्ड वर्क, इनर वर्क आपके पर्सन भी कर रहे हैं, हो सकता है आप भी कर रहे हो। रीयूनियन, देखिए रीयूनियन के चांसेस तो दिख रहे हैं, कुछ लोग के रीयूनियन हो रहे हैं। प्यार हमेशा रहेगा, यू आर माई लाइफ। देखिए ये पर्सन के दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, सवालों जवाबों का ढेर लगा है, आपसे भी, खुद से भी, अपने लाइफ से भी, थर्ड पार्टी से भी, क्योंकि लीगल इशू आ चुकी है, कॉम्प्रोमाइज आ चुका है, सेलिब्रेशन आ चुका है, सोलमेट आ सकता है, सोलमेट आ सकता है, मैंने बोला, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे आप लोग के लाइफ में, अगर कार्मिक से भी डील कर रहे हो तो ईश्वर करे कि आपके लाइफ में रियल सोलमेट, आपके काउंटर पार्ट आ जाए, दिल से दुआ है। रीयूनियन, यू आर माई सोलमेट, और आपको कह रहे हैं कि आप अपना ध्यान रखिए, बहुत ही पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स है, परेशानियां है, स्टक है, हार्डवर्क की एनर्जी है, पेन है, लेकिन ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, जितना ये आपके लिए पैशनेट होते हैं, जितना जुनून है आपको पाने का, इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। स्ट्रेस ले रहे हैं, जॉय यानी कि खुशी आपके साथ, या आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपके साथ ट्रेवल भी करना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट को लेकर थोड़ा ये चिंतित हैं, ठीक है, कमिटमेंट को लेकर चिंतित है। हो सकता है आपने कभी उनके सामने कमिटमेंट को लेकर बात की है, ठीक है, और हो सकता है इस वक्त आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो। अगर आप लोग में बात भी हो रही है तो कहीं ना कहीं आप खुद पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोल करने की आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ अगर जिससे बिल्कुल बातचीत नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, वो पर्सन आपकी आवाज को तरस रहे हैं, आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। अगर आपने अपनी वॉइस भेजी है या कोई ऐसे सॉन्ग आकर भेजे हैं या उनके पास आपकी वॉइस है, उसको वो बार बार सुन रहे हैं और अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और यहाँ कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी ले रहे हैं। क्यों आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्यों आपसे, आपको वो जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपने सारी खुशियां आपके साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप उनको मौका नहीं दे रहे हो, या फिर आप उनको इग्नोर कर रहे हो, या फिर अपने लाइफ में आप बिजी हो
और आपने भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लिया है अपने लाइफ से कि जब तक आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, कमिटमेंट नहीं मिलेगा, मैरिज की बात नहीं होगी, जब तक आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं तो अपने लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग के पार्टनर लीगल इशू से गुजर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सॉरी सॉरी कहना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है, कमिटमेंट देना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अभी भी प्रॉब्लम्स है। लेकिन आपके साथ कुछ वक्त, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये इस वक्त आपके साथ अगर नहीं है, आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपका दिल दुखाया है, आपके विश्वास को तोड़ा है, अपने वादों से इन्होंने अपने आप को रोका है, मुकर गए हैं ये प्रॉमिस कर, आपके विश्वास को तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है, तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि ये कर ये खुद अपने लाइफ में खुश नहीं है और ये सोच कर खुद से ये फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कुछ लोग लीगल इशू से गुजर रहे हैं, ऐसा लीगल इशू कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ हो सकता है किसी की डाइवोर्स की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, तो कहीं ना कहीं लीगल इशू से भी परेशान है, कोई इनको धोखा दिया है, चीट किया है, इनके मतलब बिजनेस हो, जॉब हो, किसी तरह से फैमिली में, परिवार में होता है ना, जिस तरह से कोई इनको धोखा दिया हो, तो वहां भी लीगल इशू हो सकता है। लेकिन सच में ये कहना चाहते हैं कि आप उनको समझे, आप उनको जाने, आपको फिर से गले लगाना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, फिर से ये पर्सन के अंदर वो प्यार, वो अट्रैक्शन, वो अटैचमेंट शुरू हो चुका है और आपको एक गले लगाना चाहते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन ये खुश खुद को नहीं कर पा रहे हैं, खुद पर ये फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं सही डिसीजन ये नहीं ले पा रहे हैं, इनके लाइफ से खुशियां ही उड़ चुकी है, ठीक है। उनको ये एहसास है कि शायद आप नाराज हो, उनको एहसास है कि शायद आप नाराज हो, आपको गले लगाकर ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ वो सिर्फ आपके ही हैं, लेकिन आपके साथ जो खुशी मिलती है शायद किसी के साथ मिलती है, बट ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। उनको एहसास है कि आप उनकी सब कुछ हो, आप उनकी सोलमेट हो, आपने ये एहसास दिला दिया, ठीक है। और ये पर्सन रात भर सो नहीं पाते हैं, आपको स्पाई भी बहुत करते हैं, आपके बारे में जानना, आपके आपको ढूंढना, कहीं ना कहीं ये पर्सन सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आप पर फोकस रखते हैं। लेकिन आपके इग्नोर करने की वजह क्या है, खुद पर कंट्रोल करने की वजह क्या है, ये काफी ये पर्सन सोच रहे हैं। अब ये पर्सन को लग रहा है कि आपसे मिलना बहुत जरूरी हो गया है, बात करना बहुत जरूरी हो गया है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ कॉल मैसेज करने की सोच रहे हैं, रीयूनियन चाहते हैं, वो बोल सकते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ, तो ये अपने प्रॉमिस को निभाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको एहसास है कि आपके विश्वास को उन्होंने तोड़ा है, शायद इसलिए आप बहुत ज्यादा नाराज हो और उनको इग्नोर कर रहे हो। और कमिटमेंट से रिलेटेड कहीं ना कहीं ये सोचते जरूर है लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और बहुत ज्यादा टेंशन में है। लेकिन आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं और कुछ बातें हैं जो दिल की ये शेयर भी करना चाहते हैं। लीगल इशू, सेलिब्रेशन देख रहे हो, ये देखिए इनकी लाइफ से खुशी चली गई, जॉय चला, एकदम से जॉय है ही नहीं इनके लाइफ में, दिखावा अलग है क्योंकि सोसाइटी है, समाज है, फैमिली, लेकिन अंदर के दर्द को कोई नहीं समझ पा रहा और ये आपसे मिलना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, ये रीयूनियन अब चाह रहे हैं, आपकी आवाज को तरस रहे हैं, आपको टच भी करना चाहते हैं, आपको छूना भी चाहते हैं, गले भी लगाना चाहते हैं, और वो कुछ ना मिलने से, आपको ना देखने से, ना मिलने से ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। मतलब कि इस वक्त इनको चारों दिशा से कहीं ना कहीं प्रेशर दिया जा रहा है, बर्डन दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिवाइन की गाइडेंस के वजह से हो रहा है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर, खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपको समझाना भी चाहते हैं, शायद आप नाराज हो कमिटमेंट को लेकर, ठीक है, आपको जस्टिस नहीं मिल पा रहा उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में फोकस हो अपने ऊपर, तो आपके बदलते हुए व्यवहार, नेचर, ये इनको तोड़ रहा है।
ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या है ये कहना चाहते हैं कि आप उनको समझ रहे हो लेकिन फिर भी आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी बात कि ये पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर, सॉरी कहना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं और यहाँ पे आपको कहना चाहते हैं थैंक यू सो मच जो आपने उनको इतना प्यार दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे परेशान दिख रहे हैं आप, उनकी जिंदगी हो, रीयूनियन चाह रहे हैं, यू आर माय लाइफ, ठीक है, सोलमेट आप हो ये कहना चाहते हैं, तो रीयूनियन चाह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये इस वक्त पेन में है और लगातार आपके तरफ बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए बहुत लोग की रीयूनियन हो रही है, बहुत लोग का कॉल मैसेज भी आ रहा है, लेकिन कमिटमेंट से रिलेटेड ये काफी सोच रहे हैं कि शायद आप उनको इग्नोर इस वजह से कर रहे हो, लेकिन ये चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करो फ्यूचर के लिए, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। तो ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनका मैसेज आपके लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दिए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा डियर। और देखिए मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना हो तो मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए, ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, सेशन के चार्ज होते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।